मैंने देसी जुगाड़ बना रखा है पूरा यहाँ पर, और इधर भी पिटाई होने वाली। फ्री का सैनिटाइजर चाहिए, ये इंसान कहाँ से आते हैं? थोड़ा खराब है मौसम थोड़ा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। कैसे हैं आप सब, आप बताइए। और हम तो सब ठीक है यार, घर में सब कुछ सही है। अभी जो है सब अभी खाना चल रहा है सबका। जो डेट है वो है 3 मई 2021 और दिन है आज सोमवार का। तो अभी जो है अंदर सब खाना खा रहे हैं। अच्छा, और जो पराठे बनाए ना बिना बताइयो। अच्छा, तो आप भी तो पराठे खा रही। सही है, चटोरी ज्यादा है ना खाने, कुछ चाहिए बेस्ट है तो कुछ ना कुछ। मैंने देसी जुगाड़ बना रखा है पूरा यहाँ पर। ये रेता जो है यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि इससे जो है ठंडा रह जाता है पानी, जो घड़ा है वो ठंडा हो जाएगा और उसके अंदर जो पानी है वो भी ठंडा हो जाएगा। वो पता ही है गर्मी में जो है रेत, जो रेत होता है वो गर्म हो जाता है, ठंड में जो है वो ठंडा हो जाता है रात के टाइम। ऐसे ही है कि यहाँ छाँव में रखा है, ये रेत जो है छाँव में रखा है, वो ठंडा ठंडा ही रहेगा पूरे दिन, रात को भी दिन में भी ठंडा ही रहेगा, इसलिए पानी भी ठंडा कर देता है और हमें घड़े का ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड पानी पीने को मिलता है। अब ये नहीं कि क्या नाम फ्रिज का, जो हम फ्रिज का पानी पी लेते हैं उससे तो गला वगैरह सब खराब हो जाता है हमारा, हम नहीं पी पाते फ्रिज का पानी, हम घड़े का ही पानी पीते हैं। और मम्मी तो घड़े का ही पानी पीती है, और कहीं का पीती नहीं मम्मी। हम 2 साल से फ्रिज का पानी नहीं पी रहे, पापा जी भी नहीं पी रहे, तो 2 साल हो गए पापा जी तो पिए। और अभी क्या नाम मिल्क शेक बना दो, क्या नाम मैंगो शेक, उसमें भी बर्फ जरूर गिर गए। क्या जलजीरा? हाँ जलजीरा, ओ तो भूल ही गए, तो याद दिला तूने। 2-3 दिन पहले जलजीरा बनाया था, वो आपने वीडियो में देखा होगा, वो उसमें भी डाल रखा था आपने, 2 साल बता रहे बता। पापा जी का ये चिपकली सी ना, वजह से वहां घूम रही ऊपर चिपकली, ऐसी ये चिपकली यहाँ पर बैठी सेल में। क्या होगी हाँ। उस कमरे में थी पापा ने सेल लिया और जलजीरा बनाऊंगा। वाह 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 वाह, बेचे वाह, मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने पीने को। हाँ मोटे होने चाहिए बस, कुछ भी खाओ। सही सही, मतलब कि मेरे जो जो पैर बाहर जाने का फायदा है उठाते हैं, पता नहीं पीछे पीछे क्या क्या खाते हैं भाई, बना बना कर। वाह इनकी मौज तो इनकी है। ये आले देखे देखे सरा आले ना सरा रथ करन, क्या ले गए बाटो, इतनी शरारत करने लगी है लड़की। मुझे बैठा लो, मुझे बैठा लो, मैं बैठ जाऊं रूही, मैं बैठ जाऊं बाबू, मैं बैठ जाऊं इस पर। ए मैं बैठ गया, मुझे घुमा रही है। और ये देखिए गलती, छोटी सी गड्डी ले रही है यार ये, और देखिए कितनी लंबी रस्सी ले रही। चलो जल्दी करो घुमाओ मुझे इधर को। ए घूमी 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 पापड़ा, घूमी घूमी पापड़ा, घूमी घूमी पापड़ा। रुई ये देख रही, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया रुई, क्या कर रही है चाचू? जल्दी आप आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बैठ जाओ। यो सरकने की भी नहीं, सरकने की भी नहीं हो। रूही क्या हो रहा है, क्या कर रहे चाचू हैं? बच्चों में बच्चा, हमारी गाड़ी अंदर आ गई, हमारी गाड़ी अंदर, अरे ऊपर चली गई।
देखो कहाँ वो निकल रही है। रुई रुई गाय को कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं गाय को? इधर कैसे बुलाते हैं गाय को? बुड़ बुड़ कर रही है ना। रुई अपनी ड्रेस दिखाना। और हो रुई की जीन्स। ये वर्षा अभी जो है फिल्म का व्लॉग देख रही थी, तो इसमें वर्षा की पिटाई हो रही थी टेडी बियर के रूप में। मनीष जी इसकी पिटाई कर रहे थे, तो अब देखिए अब बात कर रही है कि मेरी पिटाई क्यों करी। अब जब खाना जी जो है सोने की तैयार हो गई है, और वर्षा इधर वर्षा खाना जी गुड नाइट, खाना जी गुड नाइट, खाना जी सो गए। पापा जी पूरा मजा आया जगह पिटी वर्षा की पिटाई, वर्षा की पिटाई वर्षा की पिटाई हुई, और इधर भी पिटाई होने वाली इसकी फ्री का सैनिटाइजर चाहिए। ये इंसान कहाँ से आते हैं, क्या से आते हैं लोग, ये फ्री का सैनिटाइजर लगा डाले बताओ भाई अभी इस नंबर अभी अभी कर गया जिम बंद। चल सही है, जल्दी करता कर, और कोई दिक्कत तो नहीं? चल सही है, पुलिस पुलिस वाले आते होगा दी, हाँ तू बाहर निकल अपने जिम को सैनिटाइज कर गया, तू भी सुबह को हमें भी जिम करनी है और खुद को भी सैनिटाइज कर गया। भाई वाह भाई, ये तो सही कर रहा है भाई, ऐसे ही बचे रहेगा सब, बस मजा आ रहेगा भाई। इसका पानी क्यों पी रहा था टंकी का? देखिए पता गड़ा इंगे तक रखा, मम्मी अंतर और नहीं पी रही थी बताओ, उसमें खत्म हो गया था, डाल रहा। अच्छा 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 अभी डाल रहा, ठीक है पर पंखा चलता है, वर्षा के नीचे पिटाई होती है। वाह बेटे वाह, अबे कतई जहर कतई मौज कर दी। गाइस 11:15 बज गए हैं और लाइट भाग गई है, अभी इन्वर्टर से सब कुछ चल रहा है, और ये वर्षा को देखिए, वर्षा अब भी लगी, अब ये देखिए यार मम्मी देखिए फोन चला रही है, लाइट भागने पर फायदा उठा रही है, कूलर नहीं चल पा रहा इसलिए नींद नहीं आ रही ना भाई, और पंखा देखे बेचारा इन्वर्टर से कैसे चल रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। अब देखते हैं लाइट टाइम आएगी किस टाइम नहीं, अभी 11:15 बजे है, और अभी थोड़ी देर में देखेंगे, अंधेरा हो रहा है पूरा, पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर देता हूँ, इतने लाइट नहीं आती। मच्छर काट रहे क्या? फिर भी लेट रहे यहाँ पे, बादल हो रहे ऊपर, बादल ऊपर चलो और चल रही होगी, उठा कर रहेगा क्या? मुझे तो उठा ले जाएगा, तुझे तो ले जाएगा, वहाँ बैठे वहाँ मौज कर दी। आज गर्मी इतनी हो रही है, सोच रहा हूँ नहा लूँ, पर देखते हैं पापा जी चले गए नहाने के लिए, एकदम सोचने में आ जाएगा पापा जी नहाने के लिए चले गए पापा जी नहाने के लिए चले गए, जाओ नहा लो गर्मी बहुत हो रही है। सच में 11:15 हो रहा है, इतना बुरा हाल है, मौसम थोड़ा ख़राब है मौसम थोड़ा, पर बारिश तो आने की मुझे लगता है उम्मीद है ही नहीं, पर लाइट भाग गई इस टाइम, लाइट भागने के बाद यार अब करे भी तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, मच्छर इतने काट रहे हैं हाथ को, बुरा हाल करते हैं बहुत बुरा हाल मच्छरों ने काट काट कर। मैंने अभी जो है गड्ढे में से पानी लिया है, तो पानी बहुत ठंडा हो रहा है, इतनी गर्मी में गड्ढे का पानी मिल जाए ठंडा ठंडा मजा आ जाता है बस, ठीक है भाई बता अरे ना मच्छर लग रहे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो चुकी है और 6:20 हो चुका है, मैं चलता हूँ जिम की तरफ, मम्मी भी उठ गई, मम्मी तो घूम पर भी आ गई है, पापा जी ऊपर घूम रहे हैं छत पर, और वर्षा भी सो ही रही है, मम्मी फूल भी लेकर आई है सुबह सुबह, मम्मी बोल रही है कि बाहर आदमी जो घूम रहे थे एक दो ही घूम रहे थे, मम्मी तो मास्क लगा गई थी, मैं भी जो है मास्क लगा चलता हूँ,
क्योंकि जिम में कोई तो रहता नहीं, एक या दो ही, मैं कार्तिक एक लड़का और बस तीन जन रहते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है तीन जनों में। तो चलिए चलते हैं जिम अपना सैनिटाइज कर देते हैं अच्छी से। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर। ऑलराइट गाइस, तो मैं घर वापस आ चुका हूँ और आप देख रहे हो मेरा कैमरा। यार मैं अभी लेटा हूँ फर्श पर क्योंकि यार ये इतना ठंडा लग रहा है, जिम करके आया, इतनी गर्मी लग रही थी तो ये ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ फर्श पर लेट रहा हूँ। और रूही आई हुई थी तो यहाँ आने के बाद उधर जाने के लगी रहा है उसको, और उधर जाते ही फिर इधर की लगी रहती हो जाए। और एक बार अभी मेरे पास आने रही थी, मैं कहने लगा था चीज़ दिला के लाऊंगा तुझको, आ जा, एकदम आ ली मेरे पास, वरना आती नहीं बिल्कुल भी। चीजी ले भी आई यार, बताओ। ये मेरे लिए लंच रेडी कर दिया हमने, सब्जी बना कर रख दिया है और इधर रोटी बना रही है अभी, और वर्षा साफ सफाई कर रही है। वाह वर्षा वाह, वर्षा ने सीख ली है रसमलाई बनाने की, रसमलाई कैसे बनाते हैं। तो अब ये जीत कर रही है, भाई मुझे 1.5 किलो दूध ला के दे, मैं जरूर बनाऊंगी। अभी तक रसगुल्ले तो आप लोगों को बताया नहीं था कैसे बनाई है इसने, ठीक है। और अब रसमलाई बनाने कह रही है, 1.5 किलो दूध चाहिए इसको, तभी जाकर रसमलाई बनेगी घर में। पापा ही छोड़ गया रूही को जाकर अभी। गाइस मेरा टाइम हो गया है चलने का यार, 7:45 हो चुके हैं, तो अभी आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको जरूर ऑन कर देना क्योंकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले जाकर फर्स्ट व्यूअर फर्स्ट कमेंट कीजिए, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर मुझको फॉलो कीजिए। और अपने अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए और घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे सेफ स्टे होम, बस। हाँ अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो यार, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है यार बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है, तो उनका ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, क्या बजरंगबली, ख्याल रखो सबका, बाय।